नमस्कार। अध्ययन के अगले प्रक्रम में हम ये देखेंगे कि शोध के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार तो वैसे आप बुक्स में पढ़े हैं, तीन होते हैं आपके, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक। लेकिन अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्रकार के प्रकार देखेंगे, तो हम विभिन्न प्रकार से देखेंगे कि शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य मुख्य देखना, आगे जो एक्सेस बचेगा वो हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हम, मैंने इसको इतने कैटेगरी में पढ़ा हुआ है, मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने ऐसे कैटेगरीज पढ़ा था। ऐसा नहीं कि बुक्स में जो दे दिया हमने पढ़ लिया। हम अलग अलग जगह से अध्ययन करते हैं और उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं। तो वैसे बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो शोध के प्रकार, एक तो हम कह देंगे वर्णात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। जैसे वर्णन किया जाए ऐसा शोध भी होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव बनाम विश्लेषणात्मक, मतलब एनालिटिक, मतलब जिसमें विश्लेषण किया जाए, मतलब चीज़ों को छोटे 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 भागों में तोड़ के तब अध्ययन किया जाए। तो ये पहला आपका प्रकार है शोध को विभाजित करने का। या तो हम उसका पूरा वर्णन कर दें और या तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसका अध्ययन करें। तो वर्णात्मक भी होता है शोध और विश्लेषणात्मक भी शोध होता है। दूसरा आपका प्रकार अगर देखें मौलिक बनाम अनुप्रयोगात्मक, तो ऐसा शोध जो प्योर शोध हो, मतलब जिसमें मौलिक बेसिक, जिसमें एकदम नई चीज़ें निकल आए। बेसिक शोध वह शोध होता है जो एकदम कंट्रोल मैनर में किया जाता है, उस पर कोई बाह्य चर प्रभावित नहीं करता और उसके रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें नवीन सिद्धांत या नवीन ज्ञान निकलते हैं, मतलब प्योर साइंस के जैसे आपके रिसर्च होते हैं। और दूसरा क्या होता है, अनुप्रयोगात्मक अप्लाइड। अप्लाइड जैसे आपको व्यवहारिक, जो व्यवहारिक जीवन में हम यूज़ करते हैं सर्वे मेथड से या किसी भी मेथड से, तो एक तो आपका बेसिक हो गया और एक व्यवहारिक। तो ये दूसरी कैटेगरी हुई हमारे शोध के प्रकार की। तीसरी आपकी हो गई गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक बनाम मात्रात्मक दोनों अलग हैं। ऐसा शोध जिसमें हम गुणों का अध्ययन करें, शब्दों जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में मिले, जैसे किसी की विचारधारा हो, किसी का दर्शन हो, कोई अतीत की घटनाएं हो, ऐतिहासिक दार्शनिक, ये सारे शोध जो आपके होते हैं, तो वो आपके गुणात्मक शोध होते हैं जिसमें गुणों का अध्ययन हम करते हैं। इसका रिजल्ट भी गुणात्मक होता है, इसमें कोई क्वांटिटेटिव, कोई मात्रात्मक गुणा भाग नहीं होता। सिर्फ इसके विचारों को, सेंटेंस का अध्ययन और स्रोत हम लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो डायरेक्ट उस इंसिडेंट से जुड़े हों। जैसे अशोक पे आप लिख रहे हैं कुछ, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उनके अशोक स्तंभ से लीजिए। और द्वितीयक शोध वो शोध जो उससे रिलेटेड किसी अन्य चीज़ से लिया गया, जैसे अशोक पे किसी ने बुक लिखी, उस बुक से आप ले रहे हैं, तो वो द्वितीयक शोध। तो इस प्रकार के आपके गुणात्मक हो गए। आप देखेंगे मात्रात्मक, तो मात्रात्मक में जैसे क्वांटिटेटिव आपका हो गया, डिस्क्रिप्टिव आपका, सर्वे मेथड जो आपकी चीज़ें हों वो आपका मात्रात्मक, जिसमें हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिले उसको हम कन्वर्ट कर दें आंकड़ों में और आंकड़ों का विश्लेषण करें, अध्ययन करें और रिजल्ट निकालें। तो ये भी आपका एक प्रकार है गुणात्मक वर्सेस मात्रात्मक। तीसरा, और फिर चौथा आपका है संप्रत्यात्मक बनाम अनुभवात्मक। कॉन्सेप्चुअल वर्सेस इम्पेरिकल, ऐसे जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अगर हम अध्ययन करें, ऐसा शोध भी होता है। और ऐसा चीज़ें जो हम अनुभव के द्वारा उसमें चेंजिंग करें, तो अनुभवात्मक शोध भी आपका होता है। कॉन्सेप्चुअल वही शोध जो आपका बेसिक शोध जिसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, और अनुभवात्मक जो आपका शोध है वो शोध जिसमें हम अप्लीकेशन देखते हैं जो हमारे अनुभव में आया हुआ। तो ये भी दो प्रकार के आपके शोध हो गए। फिर है अनुदैर्ध्य बनाम क्रॉस कट। तो अनुदैर्ध्य आपका जो होता है, अनुदैर्ध्य आपका शोध वह शोध होता है जिसमें लॉन्ग टाइम, जो जीवन पर्यंत आप अध्ययन करने जा रहे हैं, मतलब उसके बचपन से लेके बाद तक जीव विज्ञान में इसका देखा जाता है। और क्रॉस कट क्या होता है, तत्कालिक, मतलब इसमें कालिक्रम नहीं अध्ययन मैटर करता, मतलब काल जो है आपका समय इसमें मैटर नहीं करता, इसको हम क्रॉस कट आपका शोध कहते हैं। इसके अलावा क्या है, मौलिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक, जो आप जनरली जानते हैं कि मतलब बेसिक शोध, अप्लाइड शोध आपका रिसर्च, और क्या आपका एक्शन रिसर्च। बेसिक आप जानते हैं जिसमें एकदम नवीन चीज़ें आपके निकल आए वो बेसिक है, और व्यवहारिक शोध आपका वो जो एप्लीकेशन आपके होते हैं व्यवहारिक जीवन में, और क्रियात्मक आपके पर्टिकुलर किसी समस्या का, क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्रियात्मक शोध होता है। इसके अलावा जो भी आप अन्य आप वीडियोस जो पहले हैं आप उसको देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटे में अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पे अध्ययन करने की आवश्यकता है।